आधे सर में दर्द होना, या फिर ये दर्द लंबे समय तक रहना, आंखों के बीच में दर्द होना। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है अपने आसपास काफी लोगों में, ओल्ड एज में, फैमिली मेंबर्स, फीमेल में। ये है माइग्रेन। आज इसी के बारे में आपसे बात करेंगे और इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, तो जुड़िए हमारे साथ। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। तो माइग्रेन, आधे सर में जब दर्द होता है उसे हम माइग्रेन कहते हैं। यह दर्द अचानक से होने लगता है और ये फिर कुछ घंटे या दो तीन दिन तक लगातार होता है, कम नहीं होता है, कई बार इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो इसे हम डॉक्टर की परामर्श लेना जरूरी हो जाता है, आपको जांचें भी करानी पड़ सकती है। तो अब इसके कारण क्या क्या है? कारण में देखिए, हार्मोनल चेंज। अगर फीमेल में है तो ये ज्यादातर हार्मोन जैसे चेंज होता है तब होता है। मान लीजिए पीरियड्स आने वाले हैं तो उस टाइम क्या हार्मोनल चेंज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आपको तीन चार दिन पहले उससे स्टार्ट हो जाता है पेन वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकता है। डाइट थेरेपी आपकी अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, एसिड आपको बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आपको रह रही है तब आपके हो सकता है, ओल्ड एज हो गई है, कोई गंभीर चोट लगी थी पहले, या फिर ब्रेन की कोई दिक्कत हो तब आपको हो सकता है। स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं आप तो आपको हो सकता है, नींद आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए इसके अंदर कुछ सिम्टम आते हैं जिसको अपने पहचान के हम समझ सकते हैं ये माइग्रेन का पेन है। तो माइग्रेन के अंदर जो सिम्टम आते हैं उसमें से पहला होता है आपके सर में दर्द होगा, लेकिन वो आधा सर दर्द होगा, या तो इधर साइड में या इस साइड, आधा सर आपका दर्द होगा। दूसरा, ये दर्द दो तीन घंटे या फिर तीन से चार दिन भी रह सकता है। आपको नोजिया मतलब घबराहट होगी, वॉमिटिंग आ सकती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में हम इसको डॉक्टर के पास दिखाते हैं, जो या तो फिजिशियन हो, न्यूरोसर्जन हो, न्यूरोफिजिशियन हो, या फिर साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको ये दिखाया जाता है, वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं अपनी अकॉर्डिंग आपके जो सिम्टम या आपके कोज जो है उसको सही करके। अब आते हैं सिम्टम के बाद हम किसकी जांच है क्या क्या। देखिए, नॉर्मली हम पहले चार पांच दिन की मेडिसिन दी जाती है, अगर उसे आराम नहीं मिलता है फिर इसके अंदर फर्दर जांच कराई जाती है, जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई करवाई जाती है, ईसीटी टेस्ट कराए जाते हैं, साथ ही कॉन्ट्रास्ट टेस्ट या फिर आपके जो फोटो थेरेपियां होती है इसकी तरह ही आपको लाइट डालकर देखा जाता है कि पेन किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है। अब इसके बाद बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि हम फर्दर डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट देता है, बाकी ट्रीटमेंट जो होता है डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करता है, कम ज्यादा मेडिसिन वगैरह सेट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पेन किलर का यूज करेंगे, नेप्रोक्सिन, एमआर वगैरह हो सकती है ये पेन किलर, या फिर डाइक्लोफेनिक चल सकती है आपके साथ, या पैरासीटा डोमपेरिडोन आती है मेडिसिन वो चल सकती है, या फिर नेप्रोक्सिन डोमपेरिडोन आती है वो चल सकती है, सुमेट्रापेन प्लस नेप्रोक्सिन ये बहुत जल्दी असर करती है दोनों। मैं आपको शार्ट बता रहा हूं, आपको ये शार्ट किसी भी कंपनी के मिलते हो अच्छी के, तो आप इसमें ले सकते हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हो। प्रोपेनॉल आपको दिया जाता है, एंजाइटी कम होती है इससे, ठीक है, साथ के अंदर आपके घबराहट बीपी भी कंट्रोल रहता है, 40 mg की आती है, साथ में सर्टालिन, एमीट्रिप्टालिन, एमीट्रिप्टाफाइलिन 25 mg जो आती है वो दी जाती है, वो आपके नर्व डैमेज अगर उसकी वजह से है तो आपको उससे भी आराम मिलता है। एंटी इमेटिक, वोमिटिंग आने के लिए वोमिटिंग की मेडिसिन, और डेली आपको रेगुलर एंटा एसिड लेने के लिए कहा जाता है, वो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन और ओमिप्राजोल, रेंटेडिन या फिर डाइजिन जो आती है सिरप वगैरह वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए भी फर्दर कॉन्स्टिपेशन का इलाज किया जाता है, इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, तो आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब इसके अंदर कई बार इन पेशेंटों के अंदर घर के अंदर आपको क्या करना है, जब ऐसा होता है तो मेनली क्या होता है, आंखों पे ये लाइट वगैरह सहन नहीं होती है, तो इन लाइट वगैरह को सहन ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, पेन होता है, तो लाइट को अंधेरा कर देना है आपको बंद करके, या फिर आपको काली पट्टी बांध के रात को सो जाना है, या दिन में भी आप बैठो तो काली पट्टी बांध के रेस्ट करो ताकि लाइट आपके ऊपर नहीं पड़ेगी तो आपको रिलैक्स महसूस होगा।
तेज शोर शराबा आवाज, इनसे भी आपको दूर रहना है। जो गैजेट वगैरह आप यूज करते हैं, फोन वगैरह, टीवी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, उनसे कुछ देर के लिए आपको दूर हो जाना है ताकि आपको रिलैक्स मिल सके। क्योंकि लाइट जब आपकी आंखों में गिरती है तो आपको पेन ज्यादा बढ़ जाता है और ये सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। गर्म पानी का सेवन कीजिए। कैफीन, कॉफी वगैरह आप पी सकते हैं। गर्म पानी पीने से भी सर में दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर सांस के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी कई बार आपका सर दर्द हो सकता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका बीपी चेक किया जाता है कि आपका बीपी तो सही है, पल्स तो सही चल रही है, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में सही है और आपकी बॉडी में पानी का लेवल या हाइड्रेशन एकदम सही होना चाहिए, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे जैसे जो तो दिक्कत आती है उसके अकॉर्डिंग अपने इसको ट्रीट करते हैं। पानी, खाना, न्यूट्रिशन, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट होता है सेवन, कैफीन वगैरह का पी सकते हो आप, गर्म पानी पी सकते हो आप, एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है कई बार कुछ इन्फेक्शन के लिए, ऑफ्लोक्सासिन जिसके अंदर मेनली हम देते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी। तो अब डॉक्टर किस तरीके से आपको लिखेगा, तो सबसे पहले आपको पेन किलर लिखेगा कि आपको पेन हो रहा है, तो इंस्टेंट आराम के लिए आपको एक पेन किलर लिख देगा जिसके अंदर सुमेट्रा प्लेन प्लस नेप्रोक्सिन जो थी टेबलेट, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लिख सकता है या फिर कोई अपने हिसाब से डॉक्टर लिख सकता है ताकि आराम एकदम से आए। ट्रामाडोल वगैरह ऐसे इंजेक्शन आपको अचानक से लगा सकते हैं, ठीक है, स्टेट लगाया जाए तो मतलब उसी टाइम लगाया जाए ताकि आपको आराम आ जाए। उसके बाद मेडिसिन चलती है, 3-4 महीने की रेगुलर मेडिसिन चलती है जिसको आपको रेगुलर लेना होता है डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग, जिससे आपका ये जड़ से खत्म हो सकता है। डाइट थेरेपी आपको उसी अकॉर्डिंग, पचने वाले भोजन, कॉन्स्टिपेशन का इलाज आपको करना होता है, लेगेटिव अगर आप यूज करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आपके आंतों में दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन और सर में दर्द हो रहा है, ये एक ही कारण होते हैं, तो इसको थोड़ा सा जो इसके बेसिक कारण होते हैं पहले उनको ट्रीट कीजिए, फिर आप सीवियरिटी पर जाइए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था माइग्रेन पेन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, और ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।